देखिए दौरानिए एक देश की आज़ादी के बाद पहले जब एक ऐतिहासिक एक कार्यक्रम हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है जी। 2 अक्टूबर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती 150 और 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश भर में हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 150 किलोमीटर पद यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में ये होनी जा रही है जी। उसके तहत आज अजमेर दक्षिण में सुबह 8 बजे से बाबा रामदेव जी के मंदिर से गुलाबाड़ी से शुरू होकर ये यात्रा अनवर चल रही है। मोदी जी का सपना है कि जो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सपने थे इस देश को आगे बढ़ाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो मूलभूत कई जो कमियां हैं आज स्वच्छता की बात है, स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा, जल को बचाना है, जल का संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है, पॉलीथीन मुक्त भारत को करना है, इस तरह के जैसे सीनियर सिटीजन हैं उनका मान सम्मान करना है, दिव्यांगों को एक हम कैसे सहारा दे सकते हैं उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है, ऐसे कई सामाजिक सरोकारों के जो काम हैं उन कामों की वजह ये इस जो पदयात्रा चल रही है उसके माध्यम से हम कार्यकर्ताओं के हम सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जन जागरण का एक रूप देकर आम जनता को हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे काम बहुत ज़रूरी है, इससे ही ये देश आगे बढ़ेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा, समृद्ध राष्ट्र बनेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा, इसलिए ये पदयात्रा ये चल रही है। उसके अंदर आज अजमेर दक्षिण में ये पदयात्रा हमारे यहाँ की विधायक अनिता जी बहन ये भी हमारे साथ है, सारे कार्यकर्ता साथ हैं। बहुत वृक्षारोपण करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य लेकर के चले, जल को संरक्षण करें, इन विषयों को लेकर के ये यात्रा प्रारंभ की गई है। अभी हमने गुलाबाड़ी स्कूल में वृक्षारोपण किया है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सेक्टर 3 धोलावाटा में स्वच्छता अभियान है और उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कामगार महिलाओं का सम्मान है, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान है, तो इस तरह से ये यात्रा जो है पूरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में निकलेगी और किसी तरह से प्लास्टिक मुक्त हम इस देश को कर सकें, इस प्रदेश को कर सकें, तो हम ना केवल पशुओं को बचा पाएंगे बल्कि जो प्रदूषण युक्त जो हमारा वातावरण बन रहा है उस वातावरण को भी प्रदूषण मुक्त कर पाएंगे।